अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद JHF। आई एम जवाद हबीब शाहानी फ्रॉम रानीपुर। टुडे स्टार्ट अवर लेक्चर। सो टुडे माय टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन के बारे में। बेसिकली टाइप मोशन के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो थ्री टाइप है। एक है लीनियर मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, तो तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। जो पहला है वो क्या है, लीनियर मोशन। लीनियर मीन्स सीधी हरकत। लीनियर मोशन क्या होता है, अ बॉडी मूव इन स्ट्रेंथ आर कर्विड पाथ। अगर कोई भी जिस्म स्ट्रेंथ या कर्विड पाथ में मूव करे तो हम उसको लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ अगर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अ कार मूव इन ईस्ट डायरेक्शन। कोई कार है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई डायरेक्शन है, ये कोई कार है, ये कोई बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, और स्ट्रेंथ डायरेक्शन मतलब स्ट्रेंथ वे में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। और कर्विड क्या है, आपने देखा, आपने क्रिकेट देखी होगी, अगर कोई बैट्समैन सिक्स लगाता है तो वो स्ट्रेंथ में नहीं जाता है, वो किसी कर्व करके जाता है, इस तरह जो बाल होता है वो इस तरह जाता है। ये भी क्या है, ये कर्विड है, ये भी क्या है, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है वो क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी लव रोटेट, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, रोटेटरी मोशन। अ बॉडी इफ़ अ बॉडी स्पिन्स आर रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर कोई भी जिस्म अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे तो हम उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, फिक्स पॉइंट के अराउंड। आपको ये याद रखनी है इसकी फिक्स पॉइंट के जो तारीफ, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फ़ैन है, ये फ़ैन है, हम अगर इसको चलाएंगे तो ये इसकी फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के जो तारीफ ये क्या अराउंड, इसके अराउंड क्या मूव करेगा, तो ये क्या है, ये रोटेटरी मोशन है। और दूसरा एग्जाम्पल है व्हील। आप पेंडल साइकिल देख रही होगी, पेंडल साइकिल आप जो चलाते हो तो उसके एक व्हील में एक बीच में एक एक्सल होती है, जो उसकी मेन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उसके जो तारीफ जो ये व्हील है वो मूव करता है, ये भी क्या है, रोटेटरी मोशन है। जो तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन, यानी अगर कोई भी जिस्म अपने फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करे तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी हम इसको जो इंग्लिश उर्दू में कहते हैं लर्विशी हरकत है। यानी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी पेंडुलम है, आपने पेंडलम देखा होगा, पेंडलम यानी झूला आपने देखा होगा, उसकी एक क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई झूला हुआ है, इसकी कोई मेन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जब हम इस बैठते हैं और उसको चलाते हैं तो अपनी फिक्स पॉइंट के चौधारी बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ये क्या है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।